हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूसरे शहरों से युवतियों को जोधपुर लाकर दे व्यापार, 6 युवतियां व 2 युवक गिरफ्तार। महामंदिर पुलिस ने प्रथम पोलो पावटा स्थित जोधपुर टावर में एक फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पीटा के तहत 6 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवतियां मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद एवं नई दिल्ली की रहने वाली हैं। मुंबई की रहने वाली एक महिला यहां दूसरे शहर से युवतियों को लेकर देह व्यापार करवा रही थी। इसके लिए उसने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। एसीपी केंद्र देरावर सिंह ने बताया कि पावटा स्थित धर्म नारायण जी का हत्या के निकट जोधपुर टावर में अनैतिक कारोबार की जानकारी मिली थी। यहां चौथी मंजिल पर साइमा उर्फ दीपिका नाम की महिला द्वारा देह व्यापार करवाने और अलग अलग स्थानों से 4-5 युवतियों के आने सूचना मिली। तब महामंदिर थाना अधिकारी सुमेर दान के साथ स्वयं एसीपी देरावर सिंह ने मय जाप्ता उक्त टावर पर रेड दी। इस दौरान यहां 6 युवतियां और ग्राहक बनकर आए 2 युवकों को पकड़ा। पुलिस ने इस फ्लैट में गोरेगांव ईस्ट मुंबई की साइमा उर्फ दीपिका, भीलवाड़ा निवासी दिव्या, नई दिल्ली निवासी प्रीति व गोमा थापा, ठाणे मुंबई निवासी खुर्शीदा बानो, अहमदाबाद निवासी सेवली और जाटों का बास, जाटियावास खुर्द डांगियावास निवासी पप्पू सिंह व राजू जाट को पीटा के तहत गिरफ्तार किया। दलाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है, उसने अपना फोन बंद कर रखा है। आज अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली कि महामंदिर इलाका में जोधपुर टावर नामक बिल्डिंग के एक फ्लैट में कुछ लड़कियां बाहर से आई हुई और वेश्यावृत्ति का काम कर रही हैं। तो इसी इतला पर महामंदिर थाने के जाब्ते के साथ में वहाँ रेड दी गई, वेरीफाई किया गया इतला को और फिर रेड दे के चेक किया तो वहाँ 6 लड़कियां बाहर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से आई हुई, उनके साथ में 2 ग्राहक जो स्थानीय थे उनके साथ वेश्यावृत्ति धंधा करते हुए मिली। इस को गिरफ्तार कर महामंदिर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसका नेटवर्क और भी है जोधपुर में सर के खाली इस जगह पे चल रहे हैं। ये अभी की जो पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम कैटरिंग का काम करते हैं, उसके दौरान लोगों से संपर्क हो जाते हैं और उसके बाद में वेश्यावृत्ति का धंधा भी करते हैं। तो अभी पूछताछ चल रही है और जो भी होगा इसमें खुलासा किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।